Vandam Sivakant Kotre 76.77. आज का जो प्रोग्राम है दसवीं और बारहवीं कक्षा में जिन स्टूडेंट को 70% से अभाव मार्क मिलते हैं उनका हर साल सत्कार, गुणवंत विद्यार्थी का सत्कार हमारे शाखा के माध्यम से हर साल चलता है। गए 28 साल ये प्रोग्राम, 28 साल में ये प्रोग्राम करते आया हूँ। अभी मैं मेरा विधानसभा क्षेत्र का इधर होने के बाद रत्नागिरी में भी 100% रिजल्ट लगता है। गए 5 साल में मैं वहाँ का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, वहाँ भी इसी प्रकार का गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार वहाँ भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों को, बच्चों के ऊपर अपनी ऐसे गुणवंत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, उसके पीछे यही उद्दिष्ट है कि आगे बढ़ के वो भारत के अच्छे नागरिक बने। उसके पीछे का उद्दिष्ट उतना है कि अपने घर में, यानी मैं जिस प्रभाग में रहता हूँ वहाँ के कोई भी लोक प्रतिनिधि उनके ऊपर ऐसा पारितोषिक दिया या कुछ बख्शिश दिया तो उनको भी खुशी हो जाती है। उसमें रत्नागिरी में आपने काफ़ी चेंजेस किया, इसी तरह का मुंबई में भी चेंजेस करने की कोशिश करेंगे सर? हाँ, रत्नागिरी में किया है, इधर तो मेरा चालू ही है। जिस प्रकार से अभी आपको मालूम है, जिस प्रकार से अभी कहना ही चाहिए कि मुंबई में VT चर्चगेट जो हमारे स्टेशन है, हम लोग उसको हेड बोलते थे, यहाँ टेल बोलते थे। अभी ऐसा है ना कि ये 6 नंबर हमारा रूट मेट्रो का, 7 नंबर का रूट, ईस्टर्न और वेस्टर्न को कनेक्टिविटी आ रही है। यहाँ से जो भुयारी मार्ग मेट्रो का जो जा रहा है वो VT तक जा रहा है। तो कभी आप बोल सकते हैं कि अभी अंधेरी जो हमारी गुंफा है, महाकाली गुंफा, वो अभी हेड हो जाएगा, VT टेल हो जाएगा, या VT हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। जैसे VT और चर्चगेट बूम हो गया है, उसी प्रकार से मेरी जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र ये बूम होने वाला है। जरूर होता है कि 10th के लिए जब पास होते हैं या 12th के लिए होते हैं, 10th के बाद उनको 11th और 12th करना होता है, तो उनको डिसाइड करते हैं, उनके जो मार्क मिलते हैं उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, साइंस जाना है, आर्ट जाना है, कॉमर्स जाना है, साइंस जाके मेरे को कहाँ कौन से फैकल्टी में जाना है, 12th के बाद ये करते हैं मेरे को और कहाँ जाना है। तो इसी प्रकार का एक थिंकिंग होता है बच्चों के माइंड में या उनके पेरेंट के माइंड में, तो डिसाइड करते हैं, ये डिसाइडेड पॉइंट है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, तो उनके लिए वो 75.3। मैंने इनके लिए एक लाइब्रेरी की है, 400 विद्यार्थी उनके यहाँ बैठते हैं, तो उन्हें जो भी यानी मुफ्त में, ये पहली बात ध्यान में रखिए, लाइब्रेरी में कोई भी फीस नहीं ले ली जाती है। 20 कंप्यूटर वहाँ दिए गए हैं। उधर IAS अकेडमी हमारी माननीय इंद्रदेव सम्राट बाला साहब ठाकरे नाम से अकेडमी चल रही है, तो उनको जो भी किताब चाहिए उसकी मेरे पास लिस्ट आ जाती है, तो उस लिस्ट के हिसाब से हम लोग उनको बुक भी प्रोवाइड की जाती है। तो उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आनी चाहिए। जैसे उनके पालक का एक ये होता है, दायित्व तो होता है कि मेरे बच्चे को ये बुक मिलना चाहिए, उसी प्रकार से मैं ये पालिका तो मैंने स्वीकारा है और वो भी मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बजट के पहला ही सब कुछ कर दिए है, तो बजट की मेरे को जरूरत नहीं, मैं कभी भी कर सकता हूँ कोई भी काम। निधि राकेश व्यास 74.76।